दोस्तों, बीमारी कई तरह के होते हैं और इन सभी बीमारियों के इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स कहते हैं। और इन सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के नाम इंग्लिश में अलग अलग होते हैं और इन सभी का नाम इंग्लिश में आपको जान के रखना बहुत ज़रूरी है, अक्सर हॉस्पिटल्स या फिर रियल लाइफ में बहुत काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई स्पेशलिस्ट यानी आंखों का डॉक्टर, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बोन्स स्पेशलिस्ट यानी हड्डियों का डॉक्टर, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोपेडिक। त्वचा यानी स्किन का डॉक्टर, इसे इंग्लिश में कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। और एक बात, डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ स्किन नहीं, स्किन के साथ साथ हेयर और नेल यानी नाखून को भी देखता है। फेफड़ों का डॉक्टर, इसे इंग्लिश में कहते हैं पल्मोलॉजिस्ट। दांतों का डॉक्टर, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेंटिस्ट। हेयर स्पेशलिस्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट। किडनी का डॉक्टर, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। दिमाग, नस और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको जाना होगा न्यूरोलॉजिस्ट के पास। अगर आपको नाक, कान और गले से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आपको जाना चाहिए एक डॉक्टर के पास, जिन्हें हम कहते हैं ENT स्पेशलिस्ट। इसका मतलब होता है ईयर, नोज, थ्रोट। लेकिन आपको बता दूं, इन डॉक्टर को एक्चुअली कहते हैं ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन डॉक्टर्स को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी बच्चों का डॉक्टर, इन्हें कहते हैं पीडियाट्रिशियन। महिलाओं के डॉक्टर यानी वो डॉक्टर जो सिर्फ औरत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है, उन्हें कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। बुजुर्गों का भी एक अलग डॉक्टर होता है, जिन्हें मेडिकल फील्ड में कहते हैं जेरियाट्रिशियन। कैंसर का डॉक्टर, इन्हें कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, इसे कहते हैं सर्जन। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जाना चाहिए एक डॉक्टर के पास, उन्हें कहते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। बहुत लोग इसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं। कोई ऐसा फैमिली डॉक्टर जिनके पास आप नॉर्मल खांसी बुखार रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तब जाते हो, वो किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं होता है, उन्हें कहते हैं जनरल फिजिशियन। अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो यानी मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, तो इसके लिए आपको जाना चाहिए एक डॉक्टर के पास, उन्हें कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। बहुत लोग इसे साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, जो कि गलत प्रोनंसिएशन है, इसका असली प्रोनंसिएशन है साइकियाट्रिस्ट। अक्सर हॉस्पिटल्स में पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत पड़ती है, तो जो डॉक्टर उन्हें बेहोश करते हैं उन्हें कहते हैं एनेस्थीशियोलॉजिस्ट। अक्सर कुछ केसेस में बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं यानी प्री मैच्योर बर्थ, तो ऐसे केसेस के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं नियोनेटोलॉजिस्ट। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स या फिर ऑब्स्टेट्रिशियन। पैरों का डॉक्टर, इसे इंग्लिश में कहते हैं पोडियाट्रिस्ट। मधुमेह यानी डायबिटीज का जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं डायबिटोलॉजिस्ट। स्वच्छता यानी हाइजीन स्पेशलिस्ट, इन्हें कहते हैं हाइजीनिस्ट। अगर आपको इम्यून सिस्टम से जुड़ी कोई हेल्थ इश्यूज है तो आपको जाना चाहिए इम्यूनोलॉजिस्ट के पास। अगर आपको ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है तो आपको जाना चाहिए हेमेटोलॉजिस्ट के पास। वो डॉक्टर जिन्हें जहर, विष या फिर हार्मफुल केमिकल रिलेटेड इफेक्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज होता है, उन्हें कहते हैं टॉक्सिकोलॉजिस्ट। वो डॉक्टर जो यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इलाज करता है उन्हें कहते हैं यूरोलॉजिस्ट। वो डॉक्टर जो जानवरों का इलाज करता है यानी जानवरों का डॉक्टर, उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं वेटरिनरी। वो डॉक्टर जो पक्षियों का इलाज करता है यानी पक्षियों का डॉक्टर, उन्हें हम कहते हैं ओर्निथोलॉजिस्ट। वो डॉक्टर जो पेड़ पौधों के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं उनको कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो उम्मीद है दोस्तों, अब आपको सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के इंग्लिश नेम पता चल गया होगा।
तो अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।